मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने आज से पहले अपने चैनल पे कभी भी न्यू स्टेट की जो पबजी आ रहा है मैंने कभी भी उसकी वीडियो नहीं डाली, क्योंकि इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा है, हर कोई इतनी तो हमारी BGMI या पबजी आने की भी खुशी नहीं थी जितनी लोग इसे चाह रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में कुछ बताऊँगा, और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा लो डिवाइस होते हैं 2GB 3GB रैम वाले, उनमें भी बहुत अच्छा चलेगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे, और जैसे हमारी BGMI और PUBG है जो जो उनकी UC वगैरह है, तो ऐसे ही इसकी न्यू UC आ रही है, तो हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें आप इसका और अर्ली एक्सेस भी जल्दी आने वाला है, ये गेम किस डेट को लॉन्च होगा आज हम इस वीडियो में हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर तो आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो गाइस, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, चलिए तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जल्दी से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक। तो गाइस, अब हम इसके बात करते हैं UC की। तो गाइस, इसमें अब ये UC नहीं है, इसमें कहा गया है इसे NC। तो हम NC के प्राइस जानते हैं, जो कि अगर हम 60 NC लेते हैं तो वो हमें 90 रुपये की पड़ती है। ये देखिए, अगर हम 180 NC लेते हैं तो ये हमें 270 रुपये की पड़ती है, और जो अगर हम 5900 UC लेते हैं तो ये हमें पड़ती है 9000 के आसपास की पड़ती है। गाइस, कितने हाई प्राइस हैं इसके, ये देखिए। और अगर हम 1500 UC लेते हैं तो हमें ये पड़ती है 1800 रुपये की, और अगर हम अपने 600 UC लेते हैं तो ये हमें 900 की पड़ेगी। और इसमें ये नई लो ये बात भी ऐड करी गई है, मतलब न्यू NC भी आई है इसमें, यह है 2950 NC अगर हम लेते हैं तो ये हमें पड़ती है 4500 रुपये की, इसके प्राइस बहुत हाई है। तो अब आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपको ऐसे ही UC के NC के प्राइस कहाँ से पता चले। तो गाइस, अगर आप पे iOS मोबाइल है तो आप ऐप स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं नीचे जहाँ पे रीड आता। तो गाइस, अब हम वीडियो पर बात करते हैं कि इसके लो डिवाइस का क्या मैटर है, क्या सीन है, तो हम अब उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें कहा ये न्यू स्ट्रेट जो कहा गया है, इसमें जो आया है ये लो प्राइस के बाजार में बताया गया है, जो कि इसका जो ये 2GB रैम भी इसमें चल सकते हैं, मतलब 2GB रैम में भी इसे वर्क कर सकता है, और कि जो CPU है वो 64 बिट का बताया गया है। तो फिर अगर आप 2GB रैम में खेलोगे इसे प्ले करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लैग होगा, आपसे खेल नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, ये इसमें ये बताया गया है। तो गाइस, इसमें जब BGMI आने वाला था तो इसमें बहुत ज़्यादा कह गया था कि ये लो एंड डिवाइस वालों के लिए भी आएगा, पर इसमें कुछ बाय रीज़न ये नहीं आ पाया लो एंड डिवाइस वालों के लिए, मतलब इतना खास नहीं चलता था। तो इसमें अब जो PUBG न्यू स्टेट आ रहा है, इसमें लो एंड डिवाइस वालों का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, इन्हें न्यू मोबाइल परचेज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इससे पहले भी कितनी बार कहा गया था BGMI वालों में जो PUBG में है, बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कत होती थी लो एंड डिवाइस वालों को, पर अब नहीं होगी क्योंकि PUBG जो न्यू स्टेट है वो ज़्यादा लो एंड डिवाइस वालों के लिए ही आया है, उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। तो इसका जो BGMI न्यू वर्जन है, मतलब ये इंडिया का नहीं बनाया है, ये जो हमारा PUBG था ये उसी का एक सेकेंड वर्जन है, आप इसे PUBG 2.0 भी कह सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो जो ये ऐप स्टोर में ही दिखाया गया है प्री रजिस्टर, अभी ये एंड्रॉयड फ़ोन में जो प्ले स्टोर है अभी उसमें नहीं आया। तो गाइस, जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके पास अर्ली एक्सेस भी बहुत जल्दी आने वाला है, उनके पास आ जाएगा ये कुछ 15-1 दिन में उनके पास आ जाएगा, और हमें जब देखने के लिए मिलेगा तो ये हमें नवंबर की 1st डेट को देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।